हे गाइस, घर में हम बहुत सी हरी सब्जियां लगाते हैं और इनमें एक बहुत ही कॉमन है लहसुन। लहसुन में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और अगर आप सही तरीके से कुछ सिंपल बेसिक स्टेप फॉलो करके इनको लगाओगे तो बहुत कम मेहनत करके ही आप बहुत अच्छा लहसुन अपने घर में लगा सकते हो। चाहे आप उनको पॉट में लगाओ या फिर क्यारियाँ बना के नीचे मिट्टी में लगाओ। तो यहाँ पर लगभग 6 महीने का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ सिंपल जो स्टेप है उनको फॉलो करना है और आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइम टू टाइम आपको लहसुन को पानी लगाना होगा और लास्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहसुन में अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो नॉर्मली इनको नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए, इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट चाहिए। तो ऐसे में गोबर खाद बिल्कुल सही है। तो हमने ये जो क्यारियाँ बनाई है इनमें गोबर खाद मिक्स कर दी है, तो ऐसे में मिट्टी भी नरम रहेगी और इनको जो है न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ये लहसुन के बल्ब होते हैं इनको आपको सेपरेट करना है, इनके जो छोटे छोटे ये क्लोव्स हैं इन्हीं को हमें लगाना है। तो नॉर्मली 4 से 5 इंच के डिस्टेंस पे आप इनको लगा सकते हो, तो ऐसे में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो नॉर्मली देखिए, हमने जितनी भी क्यारियाँ बनाई है इन सभी में लाइनें लगा के हम लहसुन को लगाएंगे। तो इनको लगाना बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली आपको इनको लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबा के लगाना है। तो लहसुन को लगाने के बाद आप एक बार इनको पानी दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने सभी क्यारियों में लहसुन तो लगा दिया है और इसके बाद हमें करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम, जिसका फ़ायदा सीधा लहसुन को मिलेगा। लहसुन में आपको बहुत सारी किस्में मिल जाएंगी और इन सभी को लगाने का तरीका और टाइम सेम ही होता है। तो आमतौर पर देखिए, इसको हमने लगाया था इस बार सितंबर के दौरान, सितंबर के लास्ट में हमने इसको लगाया था। तो इसका जो टाइम है, नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो उस दौरान आप लहसुन को लगा सकते हो। तो अक्टूबर की 20 तारीख तक आपके पास टाइम है, अक्टूबर की 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप कभी भी इनको लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने सितंबर की 25 तारीख को लहसुन को लगाया था। तो इनको लगाने से पहले आपको जो क्यारे हैं उनमें आप गोबर खाद मिक्स कर सकते हो, लीफ कंपोस्ट मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो है गोबर खाद के साथ ही इनके जो क्यारे हैं वो सेट किए और इसी में हम लहसुन को लगाएंगे। लहसुन लगाने के बाद सबसे ज़रूरी काम है मल्चिंग करना। तो अगर आप मल्चिंग करते हो तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लहसुन लगाने के बाद आप इनमें मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि जो क्यारियों में हमने मल्चिंग की है उनमें घास ना के बराबर उगेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि इसमें ह्यूमस बनता है। ह्यूमस एक प्रकार की खाद है जो कुदरत द्वारा ही बनाई जाती है और इसका सीधा फ़ायदा जो है लहसुन को ही होगा। और तीसरा फ़ायदा यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है या फिर केंचुए है वो सीधी धूप में नहीं आ सकते। तो ऐसे जो हम मल्चिंग करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट जो है मिट्टी की सतह पर नहीं पड़ेगी और केंचुए और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है, जो जैसे मित्र कीट है कुछ, तो उनका जो है मिट्टी के नीचे से मिट्टी की सतह तक जो आदान प्रदान वो चलता रहता है। तो जो ह्यूमस है, जो खाद बनेगी, वो जो है नीचे पौधों की जड़ों तक पहुँचेगी। तो इनकी जितनी भी एक्टिविटी है वो इनडायरेक्ट सनलाइट में होती है। तो ऐसे में मल्चिंग का हमें काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और इसका एक और फ़ायदा है कि मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है। तो लहसुन लगाने के बाद आप इनमें मल्चिंग ज़रूर करें। नॉर्मली आपको करना क्या है कि आपको पुरानी जो फसल है उसके अवशेष, सूखी घास, मतलब आपको ऐसी घास लेनी है जिसकी जड़ें उसमें ना पड़े, इवन वो हरी ना हो जाए, आप पत्तों का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपको हल्की पतली मल्चिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे आगे चलिए देखते हैं। सितंबर की 25 तारीख को हमने लहसुन को लगाया था और आज है अक्टूबर की 7 तारीख। तो देखिए, लहसुन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे जो बड़ी बात है, तो देखिए जो मल्चिंग हमने की है इसमें देखिए घास ना के बराबर है। हालांकि जो मेड़ है, जो आगे इनके किनारियां हैं, वहाँ पर देखिए कितनी सारी घास उगी हुई है। तो मल्चिंग का यही सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। सो गाइज, आज है दिसंबर की 10 तारीख और देखिए हमारे लहसुन की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। बस आप इनकी हल्की नमी बनाए रखें और जो हमने मल्चिंग की है, देखिए ये जो घास था ये सूखने लगा है, इसका भी एक कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमस बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का आदान प्रदान चल रहा है। तो घास देखिए ना के बराबर है और ऐसे में हमें इनकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए, लहसुन के लिए हमने सबसे पहले गोबर खाद का इस्तेमाल किया है, उसमें जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में लहसुन को नाइट्रोजन और पोटेशियम सबसे ज़्यादा चाहिए। तो गोबर खाद के अलावा आप लहसुन में जो है लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सिर्फ लकड़ी की ही राख इसमें डालनी है। तो नॉर्मली आपको 6 महीने में 2 बार आप हल्की राख का इनमें छिड़काव कर सकते हो, उसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
सो गाइज फाइनली आज है अप्रैल की 12 तारीख और हमारा लहसुन तैयार है, तो आज हम इसको निकालेंगे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं बहुत कम मेहनत में। देखिए अगर हम मल्चिंग नहीं करते तो इसमें लगातार घास उगता और हमें बार बार इनकी गुदाई करनी पड़ती, तो ऐसे में बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और जैसे हमने वैरायटी लगाई है वैसे रिजल्ट भी आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इन्हीं में से हम बीज रखेंगे, अगले साल दोबारा फिर से इनको लगाएंगे। देखिए जब लहसुन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए तो नॉर्मली आपको एक दिन पहले अच्छे से उनको पानी देना है और उसके बाद आप इनको खींच के निकाल सकते हो। तो बड़ी आसानी से बहुत कम टाइम में इस काम को आप कर सकते हो। तो जब हम इनको खींच के निकालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बड़ी आसानी से जो है इनको हम निकाल पाएंगे। तो लहसुन को निकालने के बाद एक दिन के लिए आप इनको ऐसे हवा लगने के लिए रख दें। तो एक दिन हवा लगने के बाद हमने लहसुन को थोड़ा साफ़ किया और अच्छे से अब इनको बांध दिया है। तो देखिए हमारा लहसुन बिल्कुल तैयार है। तो लहसुन के जो बीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो जो हमने ये लहसुन निकाला है तो इन्हीं में से हम कुछ लहसुन को सेपरेट करके रख देंगे जो मोटे लहसुन है, और अगली बार इन्हीं को दोबारा लगाएंगे। तो पिछले कई सालों से हम ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये जो बीज है अगली बार ये भी काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। तो ये जो वैरायटी है ये है देसी गुलाबी लहसुन। तो लहसुन में तो बहुत सी वैरायटी होती है लेकिन इन सभी को लगाने का तरीका सेम ही है। सो गाइज आशा करता हूँ कि लहसुन को लगाने के बारे में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम मेहनत में हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो नॉर्मली हमने इनमें गोबर खाद मिक्स किया और उसके बाद लगभग एक महीने के बाद हमने इसमें जो है लकड़ी की राख मिक्स की। तो ऐसे में देखिए बस इसी से जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। नॉर्मली अगर हमारी मिट्टी जो है वो हेल्थी है तो सिर्फ मिट्टी में ही हम लहसुन को लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम हमें इनको पानी देना है, मल्चिंग करनी है, और इसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो प्लांट्स से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो बना के उनका अपडेट हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।